तुम्हारे जन्मदिन पे देने के लिए मेरे पास कोई कीमती तोहफा नहीं है, और ना मैं औरों की तरह कहने वाला हूँ कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। मैं तो बस ये कहूँगा कि तुम्हारे चेहरे की हंसी कभी न जाए, क्योंकि तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हें खुश देखकर ही मेरी जान में जान है। अगर सभी से प्यार कहते हैं तो हाँ, हाँ मुझे तुमसे प्यार है। विवाहित पति ने अपनी पत्नी को नायाब तोहफा देकर उसे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। विवेक नामक युवक ने शहर के मुख्य मार्ग पर एक बहुत बड़े होर्डिंग को हायर करके उसके ऊपर अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीर लगाकर उसे जन्मदिन मुबारक कहा। ऐसा सरप्राइज पाकर पत्नी बेहद खुश है और यह एडवर्टाइजिंग बोर्ड पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं तो ये सोच रहा था कि उसके फेस पे स्माइल कैसे आए, वो मैं कोई भी रास्ता होगा उसके फेस पे स्माइल लाने के लिए तो अपने आप माइंड में मेरे आ जाता है। मेन फोकस यही रहता है कि उसके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि जब देखो अगर जैसे अब हमारी मैरिज हुई है, मैरिज के बाद यही होता है कि मतलब लड़की अपना इतना कुछ छोड़ के हमारे मेरे साथ जैसे ज्वाइन हो रही है तो मतलब उसके फेस पे एटलीस्ट स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट मिलेगा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कुछ भी, कि मतलब मुझे पता था कुछ स्पेशल कर रहे हैं, काफ़ी दिन से लगे हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ होगा कि पूरा लुधियाना मेरा बर्थडे मना रहा होगा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी अनोखी चीज़ है ये। सब लोग बहुत हैरान है देख के, लोग रुक रुक के देख के जा रहे हैं यहाँ पे। इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे और इतना प्राउड फील हो रहा है कि बयान नहीं हो रहा। रात को 12:15 बजे मुझे कहते विश करने से पहले कि चल तेरे लिए सरप्राइज़ है, मैं तेरे को साथ लेके जाता हूँ। फाउंटेन चौक के पास आके कहते मुझे देख तुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इनका मुझे यहाँ पे सिर्फ झंडे दिखाई दे रहे और तो कुछ भी नहीं दिख रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे आते साथ ही गाड़ी रोक दी और कहते सामने देख, और मैं देख के हैरान थी, मेरी बस आँखें खुली की खुली रह गई थी, मेरी भी आँखों में आंसू थे और इनकी भी आँखों में आंसू थे। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ मैं आपको, कि कोई इतना कुछ कर सकता है किसी के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे सुबह से कल रात से इनफैक्ट जा ही नहीं रही है, बिल्कुल बिल्कुल लोग फोटोज़ खींच खींच के मुझे भेज रहे हैं कि आप हो यहाँ पे। मैं कह रही हूँ बिल्कुल, मैं बताते बताते थक चुकी हूँ सबको, सुबह से फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हर जगह पे ये सब कुछ मतलब एक हाइप हुआ पड़ा, एक वायरल हुआ पड़ा लुधियाना में ये इस टाइम पे। मैं ये सोच रही हूँ मैं वापस क्या ऐसा कर सकती हूँ कि इसका कंपनसेशन हो जाए। मैं कुछ भी करूँगी कि खुश रखूँ इनको अपने साथ। मुझे नहीं पता मैं कितना सक्सेसफुल होंगी उसमें या नहीं, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि हमेशा मेरे साथ खुश रहे। जैसे ये मेरे फेस पे स्माइल रखते हैं वैसे मैं भी एक स्माइल इनके फेस पे रखूँ। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रोमांटिक ऑन द पार्ट ऑफ अ हस्बैंड कि ऐसा गिफ्ट दिया। आई विश मेरा हस्बैंड भी मेरे लिए कभी ऐसे करे। आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इरोटिक है और मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक कपल साउंड कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। We'll be right back.